तो हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से एक नए ब्लॉग में। आज जिसका बहुत बेसब्री से इंतज़ार था, जिस चीज़ का मैंने ऑर्डर किया था, एक मशीन है और बहुत ज़बरदस्त मशीन है। इसकी फंक्शनिंग भी बहुत तगड़ी, बहुत ज़बरदस्त वाली, और ये आ चुकी है यहाँ पर फाइनली। और इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, दिखाएंगे इसकी वर्किंग परफॉर्मेंस आपको दिखाएंगे। तो अभी इन्होंने कंधे पर लाद रखी है, बहुत ही वजन है इसमें तो। बहुत वजन? कितना लगभग लगभग 8-10 किलो वजन। पूरा कते झूठ बोल रहे, ये 1.5 किलो वजन है इसमें पूरी मशीन। खाली गत्ता कंधे पर रख के खड़ा कर 1.5 किलो वजन। चलिए दोस्तों, दिखाते हैं आपको इस वीडियो में इसकी अनबॉक्सिंग करके। बने रहिएगा आप इस वीडियो में। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों हमारे अफसार भाई ये ले जा रहे हैं लाद करके कंधे पे। आराम से चलना अफसार भाई है, क्योंकि वजन बहुत बता रहे, 1.5 का 10 बता रहे। तो चलिए, अफसार भाई ने फाइनली कंधे पर लाद रखा है और यहाँ कुछ काम चल रहा है। हमारे अयान भाई बैठे हैं और एक नए मेहमान आए हुए, तो अफसार भाई ने इसको यहाँ पर रख दिया। दोस्तों इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। दोस्तों अफसार भाई ये फटाफट खोला, इन्होंने शुरू कर दिया इसको। देखें बहुत बिल्कुल कतई इबलीसी शक्ल में सबसे। अरे आराम से भाई, आराम से। अरे क्या हो गया भाई? दोस्तों एक नई चीज दिखाई दी है मुझे यहाँ पर। ये क्या है? दिखाओ। ये सबसे पहले इसमें एक पाइप निकलता है, और ये सब पाइप है वाला। ये कौन सा पाइप है? ये सफा करने वाला। सफा करने वाला इतना फंसता है ना, ये इसमें फंसता है। और में चलता है, ये क्या है? ये बैकर है इनके, कूड़ा खींचने वाले। फाइनली इसको बाहर निकाल लिया है इन्होंने, और ये यहाँ पर आपको दिख रही है। ये बहुत बड़ा सा इसका टैंक है, 21 लीटर अप्रोक्स इसकी कैपेसिटी है। एक ये ठीक है, और एक ये फिल्टर है एयर निकालने वाला। ये क्या चीज है? ये ब्रश टाइप ऐसी। अच्छा, ये किताब है इसकी। दोस्तों फाइनली मशीन का जो पूरा बना हुआ स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होगा। ये वैक्यूम क्लीनर है, और ये इलेक्ट्रिक वैक्यूम क्लीनर है। यहाँ पर आप देखें, ये जितनी भी मैट वगैरह, यहाँ बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है। तो इसकी परफॉर्मेंस देखेंगे कि वाकई में ये इसको क्लीन कर पाएगी या फिर नहीं, और आपको दिखाएंगे। तो अब सार भाई क्या कबाड़ा बीन है? हाँ फिट करना जरा फटाफट इसको। अब सार भाई एक अच्छे मैकेनिक भी हैं इलेक्ट्रिक के, और साथ साथ देखें स्पीड देखिएगा। ये देखें ये सही है, ठीक ठीक। बस इतना ही लगेगा। हाँ ये लॉक फंस रहा है। अब इसकी हम ये लीड लगाने जा रहे हैं कहाँ पर? पावर पे। इसको पावर देंगे यहाँ से, ये पावर। ये लग गई है। अरे चलो चलाओ, ऑन करो इसको। चालू। तो सो फाइनली ऑन हो गई इसमें। चलो भाई शुरू करो इसको। इसकी टेस्टिंग करेंगे यहाँ पर, बहुत सारा कूड़ा वगैरह डाल रखा है, उसको देखते हैं। चलिए अब सारे क्लीन करें। तो फाइनली बिल्कुल क्लीन हो गया ये एरिया, और जितना गंदगी थी यहाँ पर वो सब इसके अंदर आ चुकी है। दोस्तों हमारे अफसार भाई इसको क्लीन कर रहे हैं यहाँ पे, और अयान भाई इधर से आए हैं। ये कुछ लगाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। करंट मार रही है? कहाँ लगाना, हाथ लगाना। कैसे कैसे दिखाना?
मार रही बहुत तेज़ी के साथ, मशीन में बहुत ज़्यादा करंट आ रहा है और मशीन कहीं ना कहीं डिफेक्टिव है और इसमें बहुत तेज़ करंट आ रहा है और कहीं ना कहीं अपनी चपेट में किसी को ले सकती है। अब सार भाई हाथ लगा के देखना मशीन में करंट है क्या। करंट आ रहा है, बंद करो इसको, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो इसको, बंद करो। बहुत जोर से करंट मार रही है, करंट मार रही है, बंद करो इसको, पैक कर दो इसको, रिटर्न करना पड़ेगा क्योंकि ये डिफेक्टिव है। तो दोस्तों ये मशीन को जो है रिप्लेस करना पड़ेगा और इस वक्त अफसार भाई जो है मशीन के सारे पार्ट्स को दोबारा से इसके अंदर बॉक्स में पैक करेंगे और इसको रिटर्न करना पड़ेगा क्योंकि ये डिफेक्टिव है। अमेजोन से मंगाई थी, करीब ये 6,500 रुपए की मशीन है। तो अफसार भाई कैसा लग रहा है इसमें, करंट वरंट है क्या सीन है इसका? भाई करंट है इसके अंदर। हाँ ये तो चुपा के छोड़ेगी इसको। हाँ हाँ ज्यादा करंट मार रही है, कुछ नई मशीन है, करंट नहीं मारना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चीज है। तो इसमें कमी क्या होगी, इसमें फॉल्ट है। ये पैक कर दी अफसार भाई, अब इसके अंदर इसको दोबारा से वापस रख रहे हैं और सारी चीजें डाल दो, सारी चीजें डाल दो। ले चलो बाहर, ले चलो इसे बाहर, ले चलो बाहर, बाहर बिल्कुल बाहर, इसको बाहर रखो, कोई काम नहीं घर में इस मशीन का। करंट मार रही बहुत तेज, यहाँ रख लो भाई। ये मशीन हमने मंगाई थी, ये 6,500 रुपए की आई थी और ये खराब निकल गई है, पैसे हमारे बर्बाद हो गए हैं। अब पता नहीं ये वापस करेंगे नहीं करेंगे कुरियर वाले, अमेजोन से आई थी ना ये। तो सो देखते हैं इसकी अगर रिटर्न पॉलिसी होती तो उसको चेक कर लेंगे क्योंकि स्टार्टिंग में हमने चेक नहीं किया था। अगर होगी तो ठीक है, वरना फिर ये मशीन किसी काम की नहीं क्योंकि बहुत बड़ा इसमें इलेक्ट्रिक शॉक लग रहा है जिसकी वजह से अगर कोई बच्चा इसकी चपेट में आ जाए, किसी का हाथ पैर भी लगे तो बड़ा एक झटका लग रहा है। तो इसको वापस करना या फिर इस्तेमाल ना करना ही मुझे लगता है बेहतर है। तो वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा और पहली बार आए हमारे इस चैनल पर तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।